जैक दिल्ली का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, लेट नाइट रिजल्ट आया है। तो अब यहाँ पर जो आज तारीख है 10 नवंबर है, और हम देखने वाले हैं कि सेकंड राउंड के बाद जो आपको डेट्स याद रखनी है वो कौन कौन सी डेट्स याद रखनी है, और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी के सामने मैंने लॉगिन कर ही रखा है जैक दिल्ली की वेबसाइट को, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की आईडी खोली हुई है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपका सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन भी ओपन हो रहा होगा। अगर आपने फीस पे कर दी है और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं तभी आपका सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो आपने चॉइस फिलिंग डाली है उसके अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो सीट एलोकेट होनी होगी वो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आ रहा है बट मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सीट एलोकेट ही नहीं हुई है, तो फ्लोट और फ्रीज का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सीट एलोकेट हुई है तो सबमिट विलिंगनेस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि यहाँ पर मुझे सीट एलोकेट हुई नहीं है, जो भी स्टूडेंट की आईडी है। ठीक है, अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है फिर भी आपका विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने फीस पे नहीं करी होगी। आपने फीस भी पे कर दी है फिर भी विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उस केस में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए हैं, फीस भी पे कर दी है, स्टिल आपका सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिकॉज जैक दिल्ली काउंसिलिंग में जो डेट्स होती हैं वो बहुत ही कम टाइम का दिया हुआ होता है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करो। मैंने अब देखने हैं हम स्केड्यूल की अगले राउंड के लिए क्या स्केड्यूल है और विड्रॉल आप कब तक कर सकते हो। आपके सामने अब काउंसलिंग स्केड्यूल आ चुका है, मैंने पहले भी बताया हुआ है बट मैंने पहले ये वाली बात बोली थी कि जब भी आपका राउंड होता है तो आप ज़्यादा दिमाग में डेट्स को मत रखे करो, जो नेक्स्ट राउंड की डेट होती है सिर्फ वही दिमाग में रखे करो ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। तभी मैं बार बार इन डेट्स को दोहरा रहा हूँ बिकॉज कई सारे स्टूडेंट बार बार बोलने के बावजूद भी गलती कर देते हैं, तो ये वीडियो कुछ नए स्टूडेंट तक पहुंच रही होगी तो उन लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो डेट दी गई है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो आज से लेकर और 15 नवंबर तक, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है, 15 नवंबर तक आप फीस पे कर सकते हो। आज से लेकर 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर 5 बजे तक आप फीस पे कर सकते हो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं, कुछ उसमें गड़बड़ आ गई है, डेफिशिएंसीज आ गई है, तो वो आप 16 नवंबर तक कंफर्म कर सकते हो। 16 नवंबर लास्ट डेट है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी आई है, कुछ ख़राबी आ गई है डॉक्यूमेंट्स में, उसको ठीक करके आप 16 नवंबर तक अपलोड कर सकते हो। आपके पास चांस है टू क्लियर द डेफिशिएंसीज जो वही वाली यार 16 नवंबर तक का टाइम है, और आप सीट फ्रीज कर सकते हो। 16 नवंबर लास्ट डेट है आपकी सीट फ्रीज करने की या फ्लोट करने की, जो भी आपका है यहाँ पर। ठीक है, और विड्रॉल आप कर सकते हो यहाँ पर 16 नवंबर तक ही, यानी 16 नवंबर 15 नवंबर ये दो ऐसी डेडलाइन है जो आपको याद रखनी है, इनको बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज 16 नवंबर लास्ट डेट है हर चीज़ करने की, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके अपलोड करने हो न्यू डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो विड्रॉल करना हो, चाहे वो फीस पे करना हो। फीस पे करने का तो 15 नवंबर याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ ताकि आप दिमाग में रखो और इन डेट से पहले ही आप ये काम कर दो ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि आपको काउंसलिंग के लिए पर्सनल सपोर्ट चाहिए, आप चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, आपको अर्जेंट है, तो आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, जैक दिल्ली का हो चाहे वो आईपीयू का हो। सिर्फ 7 सीटें बची हुई हैं, 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, 10 लॉट्स मैंने निकाले थे, सिर्फ 899 रुपीज़ में आप ले सकते हो। आपको 31 दिसंबर जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं हो जाता जब तक आपको सपोर्ट रहेगा। स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है उसकी भी गाइडेंस आपको मिलने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब थर्ड राउंड, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जैक दिल्ली में, वो चाहते हैं कि मैं एक बार ट्राई करूँ जैक दिल्ली में, वो नए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और चॉइस फिलिंग अगर आपको चेंज करनी है, आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है, आपको लगता है कि मैंने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी, मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो आप 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 नवंबर आखिरी दिन है, यानी एक दिन का ही समय दिया गया है थर्ड राउंड में नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर चॉइस फिलिंग करने के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे सेकंड राउंड में फिर छूट गई चॉइस फिलिंग, वो इसलिए छूट गई बिकॉज आप लोग सोचते हो कि टाइम तो बहुत है अपने पास, लेकिन जैक दिल्ली सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहा है, सिर्फ एक दिन का। ठीक है,
एक दिन का टाइम है न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो इस एक दिन में ही आपको सारे काम करने हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक, अगर आप बिल्कुल नए तरीके से अप्लाई कर रहे हो। और आपकी अगर चॉइस फिलिंग सही है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं स्टूडेंट्स के कि अगर हम चॉइस फिलिंग को लॉक करना भूल जाते हैं तो क्या वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी? जी हाँ, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको चॉइस फिलिंग करके उसको सेव कर देना है, और लॉक करना चाहते हो तो लॉक कर सकते हो, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। 15, 16, 17 नवंबर ये वाली डेट्स याद रखो, 3 दिन, ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17 ये तीनों के तीनों डेट्स डेडलाइन है। 15 नवंबर फीस पेमेंट की डेडलाइन है, 16 नवंबर एडमिशन विड्रॉल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेडलाइन है, 17 नवंबर आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की डेडलाइन है थर्ड राउंड के लिए। और थर्ड राउंड में अगर आपको पार्ट लेना है तो ये वाली डेट्स का ध्यान रखना। इससे आगे की जो बात है वो हम बाद में करेंगे जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने फर्स्ट राउंड के बाद जो कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप उससे देख के कट ऑफ को एनालाइज कर सकते हो। हो सकता है IGDTUW की जो मैंने पहले नहीं बनाई थी उसके बारे में मैं बात करके थोड़ी बहुत बना लूँ, बट अभी फ़िलहाल कोई वो नहीं है। और रही बात लाइव आने की, तो मैं बहुत जल्दी लाइव आ रहा हूँ, हो सकता है मैं कल या फिर आज रात को लाइव आ जाऊँ, या फिर कल आ जाऊँ शाम तक लाइव। तो आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज लाइव में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को पूछते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पर जो भी क्वेरीज होती है मैं डेली टेलीग्राम ग्रुप चेक करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती है तो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, या फिर जो आपके जैसे अदर स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा रहता हूँ टेलीग्राम पे, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है PDF है वहाँ पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले 4 साल की जो जर्नी होने वाली है आपकी इंजीनियरिंग की, वो काफ़ी आसान हो जाएगी अगर आप हमारी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। तो फैमिली का पार्ट बनने के लिए रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ऐसा कौन सी ब्रांच कॉलेज है जो आप लेना चाहते हो, चाहे वो IPU की बात हो चाहे वो जैक दिल्ली की बात हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि जैक दिल्ली में हम अपनी चॉइस फिलिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं जिससे हमें कॉलेज अलॉट होने के चांस बढ़ जाए, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी, आपको जाके देख सकते हो। और अगर आपको IPU के बारे में जानना है, IPU काउंसलिंग में आपको जानना है सारे डिटेल्स के बारे में, तो राइट हैंड साइड में वीडियो का आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।